हैकर बनने को कौन नहीं सोचता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हैकर्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते होंगे? वेल, आपने सोचा ही होगा तभी आप यहाँ पे आए हैं। तो मैं आज आपको बताने आया हूँ ऐसे टॉप फाइव ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैकर्स यूज़ करते हैं और जिसे आप भी यूज़ कर सकते हैं एथिकल हैकिंग करने के लिए। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, दिस इज सिजस एंड यू आर वाचिंग गीकी ऑलराउंडर्स। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग फिफ्थ से शुरू कर देंगे, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड देन फर्स्ट। जब हम लोग फिफ्थ पे आते हैं तो फिफ्थ में हमारे पास है डेफ लिनक्स, और ये डेफ लिनक्स जो बनाया गया था लाइव रनिंग हैकिंग के लिए, जो आप सीडी या डीवीडी द्वारा कर सकते हैं बिना अपने डिवाइस को टैम्पर या फिर हम जिसे कहते हैं आसान भाषा में करप्टिंग किए। तो चलिए अब हम लोग अपने फोर्थ पे आते हैं। तो जो फोर्थ है हमारे पास वो है ब्लैक आर्क लिनक्स। तो ये जो है ये पेनेट्रेशन टेस्टिंग के काम आता है, और इसे वही लोग यूज़ करते हैं जो पेनेट्रेशन टेस्टर्स होते हैं या फिर सिक्योरिटी रिसर्चर्स होते हैं। और इसके पास कुल मिला के 1629 टूल्स हैं, हाँ जी 1629 टूल्स हैं इसके पास। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने 1629 टूल में से जो आपको पसंद हो उसके साथ। तो जो थर्ड हमारे पास है वो है बैकट्रैक लिनक्स। अच्छा, ये बैकट्रैक लिनक्स भी बनाया गया था डेफ लिनक्स की तरह ही लाइव सीडी हैकिंग के लिए। तो इसके जो पुराने वर्जन थे वो है आईओपिक्स, ऑडिटर और आईवैक्स, जिसे जो पुराने वर्जन है। लेकिन ये जो नया वर्जन है ये बैकट्रैक लिनक्स, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइव सीडी हैकिंग करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने सेकेंड ऑप्शन पर बढ़ते हैं, जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है। तो जो सेकेंड एंड फोरमोस्ट सेकेंड है, तो उसे हम लोग कहते हैं बैक बॉक्स लिनक्स। अच्छा, ये जो बैक बॉक्स लिनक्स है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर है। ये प्रमोट करता है सिक्योरिटी को, आईटी सिक्योरिटी, यानी कि अनएथिकल हैकर्स प्लीज इसे मत यूज़ करिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। वैसे मैं अनएथिकल हैकिंग प्रमोट करता नहीं हूँ, फिर भी एथिकल हैकर्स के लिए ये मतलब एक इट्स लाइक अ बून जो यूज़ करते हैं बैक बॉक्स लिनक्स को। तो ये प्रमोट करता है सिक्योरिटी, जो आईटी में जो सिक्योरिटी होती है, जो लूप होल्स को डिटेक्ट करके उन्हें और अपडेट करते हैं जो एथिकल हैकर्स होते हैं उन्हें, ये प्रमोट करता है उस चीज़ को। और मेरे हिसाब से, फ्रॉम माय ओपिनियन, ये है मोस्ट सेफर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ऑल टाइम। तो ये जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, मुझे लगता नहीं कि इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इसका नाम सुना होगा। जी हाँ, ये है काली लिनक्स। अच्छा, अब ये जो काली लिनक्स है इसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा नहीं। तो ये जो है काली लिनक्स, ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हम कहते हैं एक कंपनी है जिसने इसे डिज़ाइन किया था। और ये पेनेट्रेशन टेस्टिंग के काम आता है, और ये बेस्ट होता है पेनेट्रेशन टेस्टिंग में। और जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी है वो मेटास्प्लॉइट जैसी और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाती है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और काली लिनक्स इज़ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय एथिकल हैकर्स। तो अभी तो मुझे लगता है कि आपको और बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ इसे कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं इस समय बंद, और आशा करता हूँ आपको अपना मनपसंद ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया होगा। और अगर आपको मिल गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने फ्रेंड्स या हैकिंग सर्कल में हैं आप, तो अगर आप इसे और किसी को दिखाना चाहते हो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट और मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे कंटेंट हर क्वालिटी पे, बहुत बेस्ट क्वालिटी पे और हर कैटेगरी पे आपको डालते रहते हैं। हमें चैनल मिल जाएंगे, आपको हर तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगली वीडियो में लेकर खास, बाय बाय दोस्तों।